धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी ने जवाब दे सांसद हिसाब दे सांसद कार्यक्रम के तहत धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर बेशक सफल रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं और जितने भी कार्यक्रम पीएम ने घोषित किए हैं वो एक भी सिरे नहीं चढ़ा। विफल केंद्र की सरकार रही है, मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में अच्छे रहे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में मेरा ये मानना है कि सिवाय पूरी घोषणाओं के जितने भी कार्यक्रम उन्होंने घोषित किए हैं वो एक भी सिरे नहीं चढ़ा। क्या कांग्रेस लोकसभा चुनावों के? सुधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और आगामी लोकसभा चुनावों में देश में भारी बदलाव देखने को मिलेगा। लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर उन्होंने कहा कि इस संबंध में पार्टी हाईकमान फैसला लेगी। लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और आप देखेंगे कि देश जो है वो भारी बदलाव इस बार के लोकसभा चुनाव में करेगा। क्या सुधीर शर्मा को हम कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में देख सकते हैं? देखिए, ये निर्णय जो है वो हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली में है वो करता है, प्रदेश के अध्यक्ष करते हैं। इसमें कोई व्यक्ति खुद क्लेम नहीं कर सकता कि मैं क्या कल करूंगा, लेकिन सभी लोग तैयार रहे। कोई भी व्यक्ति जो है वो उम्मीदवार हो सकता है जो सक्षम होगा कांगड़ा चंबा की सीट को जीतने। मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सुधीर शर्मा ने कहा कि आज देश में पाकिस्तान जैसे हालात बनते जा रहे हैं और देश के अंदर आकर हमारे जवानों को लोग मार रहे हैं और हमारी सेना कुछ नहीं कर पा रही है, वो 56 इंच का सीना कहाँ चला गया। सुधीर शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी और अभी तक कितने लोगों को रोजगार मिला है। रेल लाइन को ब्रांड गेज करने को लेकर भी वायदा किया गया था, लेकिन इसका कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मोदी ने काले धन को देश में लाने के नाम पर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब दोबारा चुनाव होने वाले हैं और अभी तक कोई भी काला धन देश में नहीं आया। उन्होंने कहा कि मोदी के साथ विदेशों में घूमने वाले ही अब बैंक घोटालों में फंस रहे हैं और मोदी के नजदीक के जिन लोगों ने कर्ज लिया है उनके ही अकाउंट एनपीए चल रहे हैं। सुधीर शर्मा ने कहा कि अगर उड़ान योजना की शुरुआत शिमला से की थी तो गगल से क्यों नहीं शुरू किया गया। सुधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की ही कोई चीज नहीं है। सरकार बनने के बाद कांगड़ा में दो महिलाओं की शव मिले और फोन ट्रेस करने में पुलिस को इतना समय क्यों लगा। शर्मा ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना अब तो धर्मशाला में होनी चाहिए, क्योंकि अब तो केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार है। उन्होंने सांसद से पूछा है कि इस मुद्दे का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई है और मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकाली जा रही है और अंतिम संस्कार भी किया गया है। इस प्रकार की घटना प्रदेश में पहली बार हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र में जुमलेबाजों की सरकार है और अब प्रदेश में भी जुमलेबाजों की सरकार बनी है। जिस तरह से केंद्र सरकार अपने वायदे पूरे करने में असफल रही है, उसी प्रकार से प्रदेश सरकार भी असफल रहने वाली है। शांता कुमार से पूछा गया है कि वह श्वेत पत्र जारी करे, पठानकोट जोगिंदरनगर रेल लाइन को ब्रांड ग्रीस करने को लेकर क्या किया गया और कितनी बार संसद में आवाज उठाई गई, इसका जवाब सांसद को देना होगा। कोई नहीं है, हमारा स्पष्ट प्रश्न यह है कि 4 वर्ष का आपका कार्यकाल हुआ, चुनावी वर्ष आ गया है, अंतिम बजट केंद्र की सरकार जो है वो पास कर चुकी है। क्या उपलब्धियां जो चुन के सांसद यहां से गए थे, भारी जनादेश जिनको मिला था, उनकी रही अपने इस कार्यकाल में? अगर उसको देखा जाए तो जो कांगड़ा का हमारा चंबा का संसदीय क्षेत्र है उसके अंदर कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया केंद्र से जो प्रायोजित हो, उल्टा जो पुराने हमारे कुछ इंस्टीट्यूशन से जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय है, हमारी रेलवे लाइन जो कि पठानकोट जोगिंदरनगर और चुनाव में बात हुई थी कि ले तक चली जाएगी सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए, और डिफेंस का पैसा भी लगेगा, रोडगेज बनेगी, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, और इस तरह की अनेक चीजें हैं जो कि कांगड़ा के अंदर होनी थी, उन पर पूर्ण विराम लग गया। मुझे लगता है कि जब यहां से सांसद बन करके गए तो बड़ी संभावनाएं थी कि केंद्र में मंत्री भी बनेंगे, शीर्ष नेता हैं, लेकिन मोदी जी ने सबको मार्गदर्शक बना के रख दिया। तो इस तरह से वर्तमान की केंद्र सरकार जो है आज जिस मुद्दे को लेकर के सत्ता में आई थी, काले धन के मुद्दे को जो विदेशों से इन्होंने वापस लाना था, आज परिस्थितियां केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी बन गई है कि जो देश के ईमानदार टैक्सपेयर का पैसा है
11,400 करोड़ रुपया जो है वो आप ही के देश से बाहर चला गया, बाहर से लाना तो दूर की बात है, अपने पैसे भी बचा नहीं पा रहे हैं, और वही लोग उनके प्रतिनिधि मंडल में उनके साथ दावोस में उनके साथ गए और उनकी मीटिंग्स वहां अलग अलग देशों से आए हुए जो राष्ट्र प्रमुख थे उनके साथ करवाई गई कि ये हमारे देश के बड़े उद्योगपति हैं, आपके देशों में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये इस देश के अंदर ऐसे हालात बन गए हैं कि आज जिस व्यक्ति को कोई आय का साधन नहीं है उस व्यक्ति का जीना मुश्किल हो गया है, जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है जिसको बहुत उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार से थी कि करोड़ों जो हैं वो रोजगार उपलब्ध होंगे, हर वर्ष 1 करोड़ रोजगार देने का वादा था चुनाव में, आज उनको क्या कहा जा रहा है कि पकौड़े बनाना भी एक रोजगार है। तो इस तरह की बातें जब किसी देश में होने लगे और हर चीज जो बड़ी गंभीर बात है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब हर चीज को राष्ट्रवाद से जोड़ दें, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, राष्ट्रहित में खड़े रहिए, जिस भी देश में ऐसा हुआ है उस देश का पतन हुआ है, ये पाकिस्तान में शुरू हुआ था। आज भारत जिसको कि पूरे विश्व को मार्गदर्शन देना चाहिए था वो पाकिस्तान की तरह बनते जा रहा है, ऐसे हालात यहां पर हो गए हैं। आपके देश के अंदर आकर के हमारे जवानों को जो है वो लोग मार जाए और हमारी सेना कुछ ना कर पाए, वो 56 इंच का सीना कहां चला गया जो कि चुनावों के समय में था, और ये कहते थे कि पत्र लिखने से कुछ नहीं होगा, करारा जवाब देना होता है, एक सर की जगह 10 सर लाएंगे, अब तो सरों की तादाद पता नहीं कितनी हो गई, कितने